दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले कुख्यात गैंगस्टर सरगना लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को सुरक्षा कारणों से मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल में हुई टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गैंग वॉर की संभावना को देखकर जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी वार्ड के 15 नंबर सेल में रखा गया है। बुधवार गुरुवार यानी कि 24 से 25 मई की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे लॉरेंस बिश्नोई को बेहद सुरक्षा व्यवस्था के साथ गुजरात से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया था। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया था कि 2021 में गोल्डी बराट गैंग के जरिए उसने अमेरिका से 2 जिगाना पिस्तल मंगाकर गोगी गैंग को दी थी। यूपी के माफिया अतीक अहमद की हत्या करने के मामले में आरोपियों ने भी ये कबूल किया था कि गोगी गैंग ने ही उन्हें जिगाना पिस्तल मुहैया कराई थी। इस स्थिति में सवाल उठना लाजमी है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही गोगी गैंग ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिगाना पिस्तल उपलब्ध कराई। आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई के कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अपने टॉप 10 टारगेट के बारे में भी बताया था जिसमें एक्टर सलमान खान सबसे ऊपर है।